हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं वाईफाई स्टडी इंडिया के नंबर वन यूट्यूब चैनल पे। सो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर के आया एक माइंड गेम, एक ऐसा गेम जहां पर आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, सोचना ज्यादा पड़ेगा कि क्या है क्लू और कैसे है क्लू। तो चलिए लेके चलता हूं मैं आपको सीधे उस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट है एंड क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड ऑन ए कार पे। आप देख रहे होंगे कि पीछे आपको कार की इमेजेस दिखाई दे रही है, इसका मतलब है क्वेश्चन में मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं कि कार एक हिंट है और कार से आप इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमारे इस माइंड गेम के क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन सबके लिए है, सबके लिए, एवरीवन कैन ट्राई, एवरी एज स्टूडेंट कैन ट्राई। अगर कोई 10 साल का बच्चा भी है तो वो भी ट्राई जरूर कर सकता है, और कोई अगर 50 साल का आदमी है तो भी वो जरूर ट्राई कर सकता है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आपके पास यहां पे एक नंबर दिया हुआ है एक, यहां पे नंबर दिया हुआ है दो, यहां पे नंबर दिया हुआ है तीन, यहां पे नंबर दिया हुआ है चार, यहां पे नंबर दिया हुआ है पांच। मोस्ट प्रोबेबली हर एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये तो ऑड नंबर है, ठीक है, एंड ये यहां पे चल रहा है इवन नंबर, लेकिन यहां पे आंसर सिक्स नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही आपको एक और हिंट दिया हुआ है, सिक्स इज नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा अब आपको यहां पे देखो, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है हिंट। मैंने लिखा है कि कार सही उत्तर देने के लिए एक हिंट है। अब सोचिए दोस्तों कि रीजनिंग लगानी है आपको, दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है कि क्या हो सकता है कि एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आना चाहिए। आप सोचिए जरा, आप कभी कार में बैठे हो, कभी आपने कार ड्राइव करी है, कार छोड़ो ट्रैक्टर ड्राइव किया है, ट्रैक्टर छोड़ो कुछ और ड्राइव किया है, लाइक जिसके अंदर आपने हमेशा मतलब कार को या बाइक को लेकर कभी कुछ ड्राइव किया हो, सोचिए। तो मतलब मेरा जो क्वेश्चन है उन सभी बच्चों से है, उन सभी लोगों से है जिन्होंने कभी ना कभी कोई कार या कभी कोई फोर व्हीलर ट्राई किया है, ठीक है, उनसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप क्या सोच रहे हो इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों अगर कार एक हिंट है तो अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं इसका लॉजिक क्या है। देखो कार एक हिंट है, कार एक हिंट है तो कार के अंदर ये नंबर कहां पे यूज होता है, ये सोचो एक दो तीन चार पांच कहां पे यूज होता है। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर कार के अंदर ये नंबर जो यूज होता है वो तो गियर बॉक्स पे यूज होता है, गियर बॉक्स पे होता है कि नहीं होता है? सोचो जहां पे गियर बॉक्स होता है तो गियर नहीं लगाते हो कि पहला गियर आप फॉरवर्ड लगाते हो, दूसरा गियर आप बैकवर्ड लगाते हो, फिर तीसरा इससे ज्यादा आगे आते हो, राइट, फिर यहां से पीछे आते हो, फिर उससे आगे आते हो तो पांचवा गियर लगाते हो, तो फिर पांच के बाद कौन सा गियर लगाते हो? यस, आर इज द राइट आंसर, रिवर्स। क्या सही आंसर होगा? रिवर्स सही आंसर होगा, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट, ये हिंट इसीलिए दिया था ताकि इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊं, नहीं तो आप हमेशा फिक्स होते, नहीं सर ऑड आएगा, नहीं सर इवन आएगा, नहीं सर छह आएगा, आप गलत बोल रहे हो। इसीलिए हिंट दिया था ताकि किसी भी बच्चे के दिमाग में ये आए कि कार में ये नंबर कहां पे यूज होता है। आई होप सो आप सबको मजा आया होगा इस माइंड गेम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और साथ में एक हिंट के साथ में डेफिनेटली आपने इसे ट्राई जरूर किया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ सर सुबह सुबह एक अच्छी एक्सरसाइज आपने कराई, एक अच्छा क्वेश्चन आपने कराया, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कॉमेंट भी करिएगा, अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो पे कॉमेंट करके बताते हैं कि हाँ सर इस तरह के अगर कुछ और वीडियोज लेके आते रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।